हेलो फ्रेंड्स, आपका अभय टेक्निकल में स्वागत है और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं, जिससे मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या मोटो एम में किसी भी तरह का अपडेट मिलेगा या नहीं, क्या इसमें एंड्रॉयड ओरियो मिलेगा या नहीं। तो आपके ये इन्हीं दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं, जो कि है इसमें एंड्रॉयड ओरियो मिलेगा या नहीं। अगर हम मोटो के हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो वो एंड्रॉयड अपडेट्स देने में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट कंपनी थी एंड्रॉयड अपडेट्स देने में, मगर जब से उसको लेनोवो ने परचेस करा है, एंड्रॉयड अपडेट्स तो आते हैं मगर बहुत ही लेट आते हैं। मगर मोटो एम एक बहुत ही बढ़िया डिवाइस निकाला था, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट थी और कुछ लोगों ने इसको ख़रीदा भी, जैसे कि मैंने ख़रीदा कि एक ये मोटो डिवाइस है एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी के साथ। और मोटो की डिवाइस इसलिए बिकते थे क्योंकि वो सिक्योरिटी और एंड्रॉयड अपडेट्स प्रोवाइड करते थे, मगर इस मोटो एम को ख़रीदने के बाद उन्होंने कहा था कि लॉन्च इवेंट में इसको दो मैक्सिमम एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे, जो कि था एंड्रॉयड नॉगट और एक एंड्रॉयड ओरियो, जो कि ओरियो उस टाइम कंफर्म नहीं था मगर ओरियो लॉन्च हो चुका है। तो एंड्रॉयड नॉगट भी इन्होंने बहुत ही लेट टाइम के बाद दिया, बहुत ही उन्होंने लॉन्ग टाइम लिया अपडेट देने में। और ये सिर्फ मोटो एम नहीं, मोटो के G4+ के साथ भी था। अब बात आई ओरियो अपडेट की, तो ओरियो अपडेट को एक तरह से स्किप करें क्योंकि मोटरोला ने अपनी लिस्ट निकाल दी है ओरियो अपडेट डिवाइसेस की, जो कि डिवाइस उनके अपडेट हो जाएंगे एंड्रॉयड ओरियो में। तो उसमें से दो डिवाइस मिसिंग थे, एक तो मोटो एम तो था ही मगर उसमें से G4+ भी गायब था। मगर जब बाद में G4+ को भी कंफर्म करा दिया गया कि उसको एंड्रॉयड ओरियो अपडेट मिलेगा, मगर मोटो एम को किसी भी तरह कहीं से भी या अनऑफिशियल सोर्स से भी कहीं से भी कंफर्मेशन नहीं मिली कि इसको ओरियो मिलेगा। मैंने मोटरोला इंडिया से ट्वीट के द्वारा बहुत बार कंफर्म करने की कोशिश भी करी कि इसमें किसी भी तरह का एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा या नहीं, तो उन्होंने बहुत बार मेरे क्वेश्चन को स्किप करा। फिर मैंने उनसे एक ही बार में 10-15 बार हर मिनट में मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, जब जाके उन्होंने रिप्लाई दिया एक उनकी वेबसाइट का लिंक का। फिर उसके बाद उन्होंने एक और रिप्लाई दिया कि इट विल नॉट रिसीव एंड्रॉयड ओरियो अपडेट। तो आपकी यहाँ पहली क्वेरी सॉल्व हो जानी चाहिए कि आप इस डिवाइस से किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन ना रखें कि इसमें कोई भी एंड्रॉयड ओरियो अपडेट मिलने वाला है, तो आप इसको भूल जाइए एंड्रॉयड ओरियो को। अगर आप इसके कोई भी कस्टम बाहर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास किसी भी तरह की रॉम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये डिवाइस इतना पॉपुलर ही नहीं हो पाया कि बाकी डेवलपर्स इसके बारे में इस डिवाइस के लिए रॉम बनाएं। अगर आप इसको रूट भी कर लेते हैं या फिर किसी भी तरह की रिकवरी इंस्टॉल करके दूसरा सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं तो किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है इस डिवाइस के लिए। चलिए हम बात करते हैं सेकेंड क्वेरी की, सेकेंड क्वेश्चन की, जो कि रिलेटेड है इसमें किसी भी तरह का एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा, किसी भी तरह का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा या नहीं। जैसे कि आपने मेरे पहले क्वेश्चन में सुना होगा कि मैंने मोटरोला से कंफर्म करा था, तो उन्होंने कहा था कि एंड्रॉयड ओरियो अपडेट नहीं मिलेगा मगर दिस डिवाइस विल कंटिन्यू टू रिसीव सिक्योरिटी अपडेट्स। अब नॉट ऑन रेगुलर बेसिस भी कहा है, रेगुलर बेसिस पे नहीं मगर इस डिवाइस को सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। अगर रेगुलर बेसिस भी नहीं होता है, अगर एक्चुअली नॉर्मल में बात करें तो रेगुलर बेसिस होता है पर मंथ, हर महीने, और नॉन रेगुलर बेसिस होता है हर 2 महीने बाद अगर नॉर्मली बात करें, मगर इनका नॉट रेगुलर बेसिस बहुत ही बड़ा हो रहा है इस डिवाइस में। जो इन्होंने लास्ट अपडेट प्रोवाइड करा था, ये डिवाइस 1 से 1 हफ्ते तक तो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा था, मगर 1 हफ्ते के बाद इसमें बहुत सारी इश्यूज़ आने लग गई हैं। अभी ट्विटर में दूसरे अपने प्राइमरी डिवाइस में यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास आपको शो करने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी आपको मैं इसमें बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ये डिवाइस ने बीच में चार्ज करना बंद कर दिया था, अगर आप यकीन नहीं करेंगे इसने लगभग 3 घंटे लिए 0 से 100 चार्ज करने में। फिर मैंने डिवाइस को अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करा, जब जाके इसे नॉर्मल चार्जिंग फिर से शुरू करी और ये इशू 2 से 3 बार आ चुकी है, फिर ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो गई। तो एक तरह का बग है, बैटरी परफॉर्मेंस आप सोच नहीं सकते, ये मार्च पहलो में ही बढ़िया था, नौगढ़ के बाद थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई थी, जैसे कि आपने मेरी नौगढ़ की अपडेट के रिव्यू देखा था। तो अगर आप वो रिव्यू देखना चाहते हैं नौगढ़ अपडेट का, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट मेरे नौगढ़ अपडेट मोटो एम के रिव्यू पर पहुँच सकते हैं। उसके बाद मुझे लगभग 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था, जो कि काफ़ी था 3000 mAh की बैटरी के हिसाब से, मगर उसके बाद 2 अपडेट्स मिले एंड्रॉयड नॉगट के बाद जो कि बहुत ही घटिया थे ना। उन्होंने उनका बस साइज़ बड़ा था, उसमें बस सिक्योरिटी अपडेट्स और सिक्योरिटी में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। तो इसमें बहुत, जैसे ही बताया था कि इसमें किसी बहुत तरह के बग्स हैं, ये डिवाइस थोड़ा बहुत लैग भी कर रहा है, जैसे कि आप देखेंगे अगर मैं सेटिंग्स ओपन करूँ तो इसमें भी थोड़ा बहुत लैग आता है और कभी कभार तो ऐप्स भी क्रैश होते हैं।
और बाकी इश्यूज थोड़ी बहुत कैमरा में है, शटर लैग हो रहा है और कैमरा परफॉर्मेंस जो कि जितना सॉफ्टवेयर से हो सकता है वो उतना ख़राब हो चुका है, उतनी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, यही कुछ इश्यूज़ हैं। और अगर मैं बता दूँ तो अगर उनको अपडेट देना होगा तो आखिरी बार एक अपडेट ज़रूर देंगे ऐसा मुझे लगता है। अगर वो इस चीज़ पर भी ध्यान नहीं देते हैं, अगर वो पूरी तरह से डिवाइस को भूल चुके हैं तो किसी भी तरह का अपडेट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब मोटोरोला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में जाके अपने नए डिवाइस से वर्क करेगा और जो कि मोटो G6 Plus होगा उस पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने होंगे उनको। बाकी डिवाइस में भी ओरियो अपडेट देना है तो उनके पास मोटो एम के जैसे डिवाइसेस के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अगर अगर मैं अपने एक्सपेक्टेशन से बताऊं तो वैसे तो मिलने वाला है नहीं अपडेट, फिर भी आप एक एक्सपेक्टेशन लगा के रख सकते हैं कि आपको एक अपडेट ज़रूर मिलेगा जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। सो अभी टेक्निकल की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर बढ़िया लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।